क्या करूँ स्नैक्स का? मैं क्या कर सकता हूँ अभी? स्नैक्स मेरे को पता भी नहीं कब किया उन लोग ने रात को। मैं तो सो रहा था यहाँ पे रूम में, प्लेयर्स भी यहीं पे थे, एकदम से मेरे को पता चला वहाँ की स्नैक्स आती हो गया। मैंने फिर वीडियो अब भी सुबह देखी वीडियो तो मैंने देखी भी नहीं थी। जेन्युइन मेरे दिमाग का एक बहुत बड़ा फियर है वो चीज़, समझ रहे? जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे को डर लगता है आर्म रेसलिंग से, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। मतलब मेरे को ना वो मेरा पावर दिखाना है, ना मेरे को हारने से डर है, मेरे को उसी चीज़ का डर लगता है। क्योंकि टेक्निक यार, वो आर्म रेसलिंग जो करते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट पावर ना, ऑब्वियसली देर इज अ टेक्निक ऑल्सो टू इट। तो वेन यू डोंट नो द प्रॉपर टेक्निक, वाई ट्राई एंड डू समथिंग विच यू हैव नेवर डन बिफोर, राइट? क्यों करना है वो चीज़? वही होता है, बिना टेक्निक के करोगे वही होता है। आर्म रेसलर्स आर मेड फॉर आर्म रेसलिंग मैन, दे ट्रेन फॉर दैट सो मेनी ईयर्स। नहीं मत करो, मतलब जेन्युइनली आप लोग को भी बता रहा हूँ, नहीं जमता तो मत करो यार वो सब। वो इट इज़ नॉट अ थिंग दैट यू शुड शो ऑफ, बिना टेक्निक के तो मत किया करो, नहीं करना चाहिए। मेरे को बहुत बुरा लगा स्नैक्स के लिए, अभी स्नैक्स का ऑलमोस्ट 1-1.5-2 महीना वेस्ट होगा ना। वो स्ट्रीम कर पाएगा क्योंकि आई थिंक उसका राइट हैंड गया ना वीडियो में। हाँ राइट हैंड गया उसका, तो ना वो स्ट्रीम कर पाएगा ना वो खेल पाएगा। शूट्स में उसको प्रॉब्लम आएगा, अभी ब्रांड डील्स में प्रॉब्लम आएगा, व्लॉग्स आएगा आएगा। 1-2 दिन का शूट तो करो, एक ही दिन हुआ है ना, तो उसका कितना टाइम वेस्ट होने वाला है। देखो ये मत करो ये सब चीज़ें यार, मतलब नहीं जमता तो मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है शो ऑफ करने की कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। मत करना नेक्स्ट टाइम से, बहुत डर लगता है मेरे को। मैं उधर होता तो मैं स्नैक्स को करने ही नहीं देता, मैं मैडमैन को टपली बजाता और मैं स्नैक्स को करने ही नहीं देता। मैं अगर उधर होता तो मैं जेन्युइनली अपने प्लेयर्स को भी नहीं देता मैं करने को, बहुत। मैं तो ऐसा चिल्लाया वो वीडियो देख के, ऐसा रिएक्शन निकला मिला मेरा, वो जो ओ फक सोच के खराब लगता है बे। 2 मंथ्स विदाउट प्रैक्टिस, हाँ 2 मंथ्स वही।